हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रही हूँ स्वाल की रेसिपी। ये जो है मैंने बनाए हैं चने, काले चने और राजमा को बॉईल करके उनको पीस कर उसका एक स्टफ बनाया है। देखो आप इस स्टफिंग को, इनको पहाड़ में बोलते हैं स्वाल और हम लोग इसे बोलते हैं भरी हुई रोटी या कचौड़ी, पर हम लोग जनरली हमारे यहाँ इसको आलू में खाते हैं या दाल की खाते हैं, पर यहाँ पर ये बनते हैं सोयाबीन के, राजमा के, काले चने के बॉईल करके, और ये खाने में सच में बहुत टेस्टी होते हैं। जब मैंने इनको पहली बार खाया तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे। पहली बार तो मुझे नाम सुन के बहुत अजीब लगा, सवाल। देखो इसको तल लेना है अब अच्छी तरीके से। आप चाहो तो इसको रिफाइंड में तलो, घी में तलो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो। मैं इनको घी में तल रही हूँ। मेरे ससुराल वालों को घी के खाने बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये घी में तला जा रहा है इस टाइम। अभी आप इसको देखिएगा, आपकी पूरी बनके जब बाहर आ जाएगी, कचौड़ी सवाल बनके जब बाहर आ जाएगी, ये देखिए। इसके बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी घर का बना हुआ मक्खन, सफ़ेद वाला। उसको मक्खन को इस पर रख के और उससे खाने में जैसे मज़ा आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो बहुत मज़ा आया, पता नहीं आपको कैसे लगेगा। प्लीज़ एक बार इसे घर पर ट्राई करके और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये स्वाल खाना।